जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों सामने है टाटा पंच, और देखो आज ऐसा वेरिएंट मुझे मिला है ना कि आप इस वेरिएंट को देख के, इसकी वीडियो देख के एकदम खुश हो जाओगे कि भाई क्या जबरदस्त वेरिएंट दिखाया है। देखो अकॉम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट है, उससे ये मात्र 20,000 रुपये महंगा है, लेकिन जो फीचर्स इसमें मिल रहे हैं ना वो कहीं ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब 20,000 रुपये से बहुत ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों। तो आज देखने वाले हैं इस वेरिएंट में क्या कुछ मिलेगा। वेरिएंट बता दे रहा हूँ भाई, क्रिएटिव प्लस वेरिएंट है ये, ठीक है। अकॉम्प्लिश से नीचे वाली सीरीज है, लेकिन है मतलब फीचर्स में कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों, ठीक है। तो सब कुछ देखते हैं आज इस वीडियो में, क्या क्या मिलने वाला है आपको अंदर बाहर, और क्या क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं। तो देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू। और सबसे पहले इसकी चाबी देख लो भाई। देखो मैंने कहा ना कि फीचर बहुत तगड़े हैं, तो चाबी भी आपको पूरी वैसी मिलने वाली है, टॉप एंड वाली। पीछे टाटा का लोगो, चार बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट ओपन करने के, इस तरीके का सेटअप मिलता है। सामने का लुक देख लो, इस तरीके का है। यहाँ पर अब एक काम करूँ, इसका प्राइस प्राइस बता दूं आपको भाई। ये पंच का क्रिएटिव प्लस वेरिएंट है, पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, ठीक है। अगर इसकी कीमत की बात करूं 9 लाख रुपए इसकी एक्सोरूम कीमत है। पंच का जो अकॉम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट आता है ना, वो 8,80,000 का आता है, उससे मात्र 20,000 रुपए महंगा ये। और इंजन की बात करूं, वही सेम मिलता है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर, 87 BHP की पावर, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अब फ्रंट लुक देखो, इस तरीके का मिलेगा। यहां पर आपको DRL और यहां पर ये इंडिकेटर ब्लिंक हो ही रहा है, क्रोम की ये लाइनिंग मिल जाती है, ये पियानो का टच, यहाँ पर प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिलता है, नीचे कॉर्निंग फॉग लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है, सामने की ग्रिल देखो मैट फिनिश में मिलेगी इस तरीके से, यहाँ पर टाटा का लोगो वगैरह, तो ये सब तो एज इट इज मिलता है। यहाँ से थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ, रेंज सेंसिंग वाइपर मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलते हैं यहाँ पर आपको। उसके बाद देखो यहाँ पर वेलकम फीचर मिल जाता है, ORVM मतलब ऑटो फोल्ड हो जाएंगे गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने पे, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। ये देखो जी, ये देखो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं तो ये देखो, यहाँ पर आपको ORVM पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि भाई डुअल टोन भी है, ये कलर देख रहे हो नीचे व्हाइट और ऊपर ब्लैक रूफ। ए पिलर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलेगी, इसकी जो रूफ है वो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलेगी, साथ में जो ये है क्या कहते हैं रूफ रेस, ये भी ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलेगी। बी पिलर ब्लैक केप डॉट मिलता है, और यहाँ पर देखें तो शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है पीछे की तरफ, और यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ये देखो डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ये देखो जी टेल लाइट इस तरीके से मिल जाती है, टॉप एंड वाली, यहाँ पर इस तरीके का सेटअप मिलता है। नीचे थोड़ा सा आगे कर देते हैं गाड़ी को, हाँ बस ठीक है, ज़्यादा जगह नहीं है तो थोड़ा सा कंजस्टेड है तो एडजस्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये देखो इस तरीके से, ये टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और यहाँ पर रियर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और ये डिफोगर मिल जाता है। बूट स्पेस कितना मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इस तरीके से, और अगर बात करें बूट स्पेस की तो ये देखो जी पार्सल ट्रे मिल जाती है पहली बात तो, और 366 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा भाई इस तरीके का, काफ़ी अच्छा बड़ा और डिसेंट सा बूट स्पेस है। स्पेयर व्हील की बात करूँ तो साइज देखते हैं क्या मिलेगा, 185/70 R15 की प्रोफाइल मिल जाती है, 15 इंच का ही मिलता है। पीछे वाली सीट में देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है सीट के अंदर, और टेल गेट पर प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब देखो एक दो चीज़ नई दिखानी थी, एक तो वेलकम फीचर हो गया, उसके बाद एक नई चीज़ और दिखाता हूँ भाई। यहाँ पर देखो इस वेरियंट के अंदर एलॉय व्हील मिलते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील है भाई, अपोलो का टायर लगा हुआ है, 195/60 R16 की प्रोफाइल है। देखो स्पेयर व्हील जो है 1 इंच छोटा था, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके की ये प्रोफाइल मिल जाती है। पीछे तो देखो ड्रम ब्रेक है, आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ, फ्यूल टैंक भी देख लो, यहाँ पर 37 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है, और अगर यहाँ पर देखें तो ये देखो जी इस तरीके का ये पूरा एलॉय व्हील आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ, डोर रॉक सेंसिंग का ऑप्शन तो दिखाई दिया था, डोर रॉक सेंसर, डोर पे ट्रिम्स देख लो, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, सब कुछ प्लास्टिक में, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM मिल जाते हैं, फोल्डेबल का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पर ये सिल्वर टोन में मिलते हैं, और बाकी उन वेरियंट्स में जो है पियानो ब्लैक फिनिश में मिल रहे थे, यहीं से ये लॉक हो जाता है, और इसको ये ऐसे कर दो तो ये नॉर्मल पे आ जाता है, यहाँ से लॉक करने का सिस्टम दे रखा है। आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, इको मोड और एक्टिवेटेड, ठीक है समझ गए। उसके बाद ये फॉग लाइट ऑन करने का, उस स्टार्ट स्टॉप का बटन, एसी वेंट इस तरीके से मिल जाएगा। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है, तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। पीछे की तरफ आ जाए, पीछे की तरफ क्यों यार, अंदर बैठ जाए,
दोस्तों देखो तबीयत थोड़ी सी दुरुस्त नहीं है आज, लेकिन गाड़ी ऐसी है कि वीडियो बनानी पड़ रही है। यहाँ देखो भाई, टैकोमीटर, बीच में स्पीडोमीटर, यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर फ्यूल गेज। यहाँ से आप मोड वगैरह चेंज टॉगल कर सकते हो, यहाँ से ट्रिप वगैरह कर सकते, घड़ी को रीसेट कर सकते हो। यहाँ पर वाइपर का स्टॉक और यहाँ पर हेडलाइट का स्टॉक, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पर देखें क्रूज कंट्रोल और यहाँ पर देखें टेलीफोनिक कंट्रोल्स और ऑडियो कंट्रोल्स, और यहाँ पर ये सब थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील। इस वेरिएंट में लेदर रैप्ड भी मिलता है आपको, नीचे फ्लैट बॉटम मिल जाता है। 10.24 इंच का ये टच स्क्रीन मिलता है, साथ में चार स्पीकर, चार ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। इसके अंदर आप जैसे एसी को भी यहाँ से सेट कर सकते हो, बाकी काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो का, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, पार्क असिस्ट का फीचर मिल जाता है। यहाँ से आप कैमरा वगैरह देख सकते हो, ये सेंसर की आवाज़ कम ज़्यादा, जूम सब कुछ कर सकते हो। एसी वेंट का डिज़ाइन ऐसा मिलेगा। यहाँ पर आप देखो हेजार्ड बटन मिल जाता है, नीचे की तरफ देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। उसके थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो देखो भाई यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 45 वोल्ट का टाइप ए पोर्ट और 12 वी का पोर्ट मिल जाता है। एक स्पेस जो यहाँ मिलता था बाकी में, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन पहली बार मैंने देखा भाई पंच के अंदर, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये सब कुछ पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं यहाँ पर, पार्किंग ब्रेक मैनुअली ऑपरेटेड, और ये देख रहे हो ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलता है इस तरीके से। स्पेस देख लेते हैं, इसके अंदर ठीक ठाक स्पेस है मेरे हाथ के हिसाब से, जज कर सकते हो। 2-3 चाबी आ जाएंगी, फोन वोन नहीं आएगा। यहाँ पर ग्लोव बॉक्स की बात करें तो देखो लाइट भी जलती हुई दिख गई, और शायद कूल्ड का ऑप्शन भी होगा, देखें। हाँ जी, कूल्ड का ऑप्शन भी लगा है, ये देखो इस जगह पर कूल्ड का ऑप्शन आ गया, लाइट आ गई, 2 कंपार्टमेंट बने हुए हैं इस तरीके से, बड़ा सा है सेटअप, अच्छा है। ट्रिम्स वगैरह देख लो डोर पे और इस पर यहाँ पर। अब देखो बात करते हैं सेफ्टी की, तो 2 एयरबैग के साथ में ABS, EBD, ESC तीनों चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, साथ में पंच की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग तो देखने के लिए मिलती है ही। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो ये देखो यहाँ पर ये क्या होता है, सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर। यहाँ पर देखो तो ये लाइट, माइक, मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है, और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर मिल जाता है। ये है जी सेटअप फ्रंट कैबिन का, ठीक है, डिसेंट है, अच्छा है, कई सारी चीज़ें बढ़ गई। और यहाँ पर हाँ, ये 10.24 इंच के साथ में 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का सेटअप और मिलेगा, ये मैं बताना भूल गया था तो बता दिया। अब एक काम करते हैं, सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या मिलेगा। तो आ जाते हैं इस तरफ और डोर को करते हैं ओपन इस तरीके से, और यहाँ पर डोर हैंडल है यहाँ पर, और ये बोतल होल्डर, 1 स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं जी, इसमें उनमें एकॉम्प्लिश प्लस है, इसमें ये नहीं मिल रहे थे। उसके बाद देखो 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है भाई, अभी 3 पॉइंट नहीं आई है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दोनों सीटों में मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट भी मिलता है भाई इस वेरिएंट में, देख रहे हो ये आ गए जी अंदर। हाँ, कप होल्डर नहीं मिलते हैं लेकिन आर्म रेस्ट मिलता है, बहुत अच्छी बात है भाई। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए कम्फर्ट का और ध्यान रखा है, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियत के लिए एसी वेंट भी है और टाइप ए पोर्ट भी है पीछे। फोन वोन रखने की जगह तो है ही चार्जिंग वगैरह के लिए। पीछे से डैशबोर्ड देख लो इस तरीके का दिखेगा, और यहाँ पर ये एक कोट हुक और ये जो है ग्रैब हैंडल इस तरीके से मिलता है। बाहर निकल के आते हैं और हेजार्ड ऑन करके इसका देखते हैं सामने लुक कैसा है, और वीडियो करते हैं ख़त्म। देखो जगह बिल्कुल नहीं है, चारों तरफ गाड़ियों का समुंदर है टाटा की, तो थोड़ा सा कंजस्टेड होके मैंने बनाई थी। मैं बस यही दिखाना चाह रहा था भाई, ये वेरिएंट जो है मुझे काफ़ी हट गया और अलग लगा। कई सारी चीज़ें इसमें नई आ गई, जैसे कि देखो मात्र 20,000 रुपये एक्स्ट्रा गए, सनरूफ तो कट गई, लेकिन सनरूफ मेरे हिसाब से तो एक यूजलेस चीज़ है गाड़ी के अंदर। बाकी देखो एलॉय व्हील बढ़ गए, अंदर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन बढ़ गया, एडजस्टेबल हेडरेस्ट बढ़ गए, वेलकम फीचर बढ़ गया, और भी कई सारी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो बढ़ गई इस वेरिएंट के अंदर। अब आप बताइए ये क्रिएटिव वेरिएंट आपको कैसा लगा, मतलब क्रिएटिव प्लस वेरिएंट आपको कैसा लगा। 9 लाख रुपए कीमत में मेरे हिसाब से तो इससे शानदार वेरिएंट हो नहीं सकता है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि मेरी एनर्जी बहुत लो है, लो इसलिए है दोस्तों मुझे मलेरिया हो गया है, और मलेरिया में भी मैं वीडियो आपके लिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं छोड़ सकता, और इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लो जरूर लग रही होगी। तो बस इतना ही कहना था दोस्तों इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो जय हिंद।